हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सोशल स्टडी, क्लास सेकंड में सोशल स्टडी आज हमें पढ़ना है। इसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन, फूड फॉर अस। फूड मींस क्या होता है? FOOD, फूड। फूड मींस क्या होता है? भोजन, खाना जो हम खाते हैं। फॉर अस, हमारे लिए। हमारे लिए भोजन यानी जो हमारे लिए ईटेबल चीज़ें हैं उन्हें हम फूड कहते हैं। जिस जो चीज़ हम खा सकते हैं, जैसे इसमें देखिए आपको ब्रिंजल दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, आपको और भी चीज़ें दिख रही हैं। ये सब क्या हैं? फूड। एज ए फूड यानी हम फूड की तरह इनको हम खाने में यूज करते हैं ना, इनको खाते हैं, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो हम जो चीज़ें खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। और देखो यहाँ पे वाटरमेलन बना हुआ है, पाइनएप्पल बना है, एप्पल है, कैबेज है, मैंगो है, इधर ऑरेंज है ना? ये सब क्या है? ये फूड हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। इनके अलावा और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं ना, इसलिए हम इनको फूड कहते हैं। यानी हम जो कुछ खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी का हम क्या करते हैं? हम देखो हम लोग अपनी स्टडी करते हैं, और क्या करते हैं? हम लोग अपना प्लेइंग करते हैं। तो किस लिए? क्योंकि अगर हम स्टडी करेंगे, प्लेइंग करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी हमें किससे मिलेगी? ये एनर्जी हमें फूड खाने से मिलती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। और हमारे लिए फूड क्या है? जैसे इसमें देखो कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, इनकी पिक्चर बनी हुई है, इनको हम क्या करते हैं? खाते हैं। अब यहाँ देखो एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है आपके लिए, राइट। राइट मीन्स क्या होता है? राइट। F फॉर फ्रूट्स। ये जो फिगर आपको जितने भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, इनमें से फूड जो हैं, जितने भी फूड जो हैं फ्रूट के रूप में हैं। फ्रूट, फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल। ठीक है, फ्रूट मीन्स क्या होता है? फल। यानी जो फल हैं उनको, उनके लिए हमें इस बॉक्स में F लिखना है। ठीक है, और जो वेजिटेबल्स हैं, हम फूड के रूप में फ्रूट्स भी लेते हैं यानी फलों को भी खाते हैं, और वेजिटेबल्स यानी सब्जियां भी खाते हैं। तो सब्जियों के लिए देखो वेजिटेबल्स में ये फर्स्ट लेटर वी है ना, तो जो वेजिटेबल्स हैं उनके लिए वी यूज करना है, वी लिखना है बॉक्स में। और जो फ्रूट्स हैं उनके लिए हमें क्या लिखना है? एफ लिखना है। फ्रूट्स में एफ आता है ना, तो हमें एफ लिखना है। ये आपको खुद से सोचकर देखो लिखना है। जैसे हम देखो लिख कर बता रहे हैं, जैसे ये ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल वेजिटेबल्स होता है, इसकी सब्जी बनती है, या ये फ्रूट है, इसको हम फ्रूट की तरह खाते हैं? आप खुद बताओ। देखो इसको हम क्या करते हैं, घरों में देखते हो ना वेजिटेबल्स की, वेजिटेबल में आपके ब्रिंजल की वेजिटेबल बनती है, पोटैटो ब्रिंजल एक साथ मिलकर बनाई जाती है, टेस्टी होती है। तो इसको हम किस में यूज करते हैं? वेजिटेबल्स के लिए। तो इस बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? वी। कैसे लिखेंगे? वी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वी बनाओगे। अब नेक्स्ट देखो आप इसमें ये किस चीज़ की पिक्चर है? देखो इस फिगर को देखो, इसमें आप क्या लिखोगे? ये क्या है? किसका फिगर है? आप लोगों ने खाया भी होगा, इसको देखा भी होगा। ये क्या है? ये है बनाना, दिख रहा है ना कितना अच्छा बनाना है। इसको हम किस कैसे इसको ये फ्रूट होता है या वेजिटेबल होती है? क्या होता है? ये फ्रूट होता है ना, फ्रूट जो हम खाते हैं बहुत अच्छा होता है। तो फ्रूट में फर्स्ट लेटर क्या होता है? एफ। तो हम इस बॉक्स में क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे एफ। देखो है ना, ऐसे आप पेंसिल से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे। ठीक है, अच्छे से लिखोगे। अब ये देखो ये क्या है, नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्या? शिमला मिर्च। क्या बोलते हैं? शिमला मिर्च होता है ना। तो इसको क्या हम कहें, इसको क्या ये वेजिटेबल होता है या फ्रूट होता है?
ये वेजिटेबल होता है, ये सब्जी इसकी बनती है ना, तो यहाँ वे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐसी और देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, ये देखो, ये इतना बड़ा, कितना अच्छा है। अब ये बताओ, इसकी सब्जी बनती है या ये फल है, एक फ्रूट है या वेजिटेबल? ऑफ कोर्स ये क्या है, फ्रूट है, जो अंदर से कैसा होता है, रेड होता है ना, खाने में बहुत अच्छा होता है ना। तो इस पे फ्रूट है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। इस बॉक्स में क्या लिखेंगे, एफ, ऐसे एफ लिखेंगे। इसको आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, देखो कुछ हमने बता दिए, अब इसको आप बताओगे इसको क्या करना है। इसका नाम क्या है, पाइनएप्पल, जिसको हम अनानास बोलते हैं। इसको अब इसकी ये फ्रूट है या वेजिटेबल से बताओ, तो ये क्या है, ये एक फ्रूट है ना, काफ़ी अच्छा होता है, टेस्टी होता है, खाने में अच्छे से खाते हैं ना, तो एफ लिखेंगे ऐसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये बताओ ये क्या है, इसको तो बता दो, इसको तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत खाते हो आप लोग है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये क्या है, एप्पल है। एप्पल क्या होता है, ये फ्रूट होता है, तो हम यहाँ बॉक्स में क्या लिखेंगे, एप्पल। ऐसे ही देखो और भी है, इसको आप करोगे, ये दो चीज़, ये दो देखो, दो फिगर देख लो, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, और एक ये बचा है। ठीक है, बाकी सब तो हमने करवा दिए, देखो सारे फिगर हमने करवा दिए ना सॉल्व। ठीक है, तीन आपके लिए दिए हुए हैं, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, किसमें करोगे, किसमें करोगे आप इसको, अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, कॉपी में नहीं, आप इसी, चलो मैं इसको कर देता हूँ, अभी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कर देते हैं, फिर आपको जब बुक आपके पास हो जाएगी तो आपको बुक में करना है। ठीक है, ठीक है, इसको आप खुद फिलअप करोगे जैसे हमने बताया है। ठीक है, देखो ये क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज क्या होता है, एक फ्रूट होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एफ। ये क्या है, मैंगो, ये फ्रूट होता है ना, तो इस पे भी हम क्या लिखेंगे, एफ। और उसके बाद ये देखो, ये क्या है, ये क्या होता है, ये वेजिटेबल, कैबेज है ना, तो ये एक वेजिटेबल है, तो यहाँ भी लिखेंगे। ऐसे आप करोगे, जब आपके पास बुक है तो आप बुक में करोगे, नहीं है तो वेट करो, जब बुक आपकी आ जाती है तो आप बुक में करना। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो इसको। ठीक है, उसके बाद चलो अब आगे देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्या है आपके सिलेबस में। देखो यहाँ पे जो अभी आपने पढ़ा उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ना। देखो राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखो या लिखना है ना, क्या लिखो, द नेम्स ऑफ टू, नेम्स मीन्स नाम लिखने हैं, टू किसके नाम लिखने हैं, फ्रूट्स यू लाइक, फ्रूट्स फलों के नाम लिखने हैं, दो फलों के नाम यू लाइक, जो आपको, लाइक मीन्स पसंद होते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। ठीक है, ऐसे दो फ्रूट्स के नाम लिखो जो आपको खाने में अच्छे लगते हैं। तो आप फिगर ही देख लो, कितने अच्छे अच्छे फल आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। एक आप देख लो, एप्पल लिख सकते हो, एप मैंगो लिख सकते हो। एप्पल की स्पेलिंग आपको आती है ना, बताओ एप्पल की क्या स्पेलिंग होगी। देखो हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो ए डबल पी एल ई, एप्पल आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, और कर्सिव राइटिंग में लिखना है। ठीक है, या कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिखना है आपको। फिर ये तो मैंने एक फ्रूट का नाम लिखा, एक आप लिखोगे मैंगो। मैंगो कैसे लिखोगे, मैंगो के लिए आप मैंगो भी लिख सकते हो। देखो स्पेलिंग बोलो, हम लिख रहे हैं MANGO, कैसे लिखोगे, ओ मैंगो, मैंगो, ऐसे पूरा कंप्लीट ओ होना चाहिए। ये दो फ्रूट के नाम हो गए, ऐसे आप दो वेजिटेबल्स के नाम आप खुद लिखोगे, यहाँ से भी देख कर लिख सकते हो, या आपको खुद से जो वेजिटेबल अच्छी लगती है खाने में, उस दो वेजिटेबल के नाम आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से होमवर्क हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए और क्या है।
देखो ये अच्छा है, यहाँ पर देखो क्या है, वी वी डब्ल्यू ई वी वी मीन्स क्या होता है, हम, वी नीड, एन डबल ई डी नीड, नीड मीन्स क्या होता है, नीड मतलब हमें आवश्यकता, हमें आवश्यकता होती है किस चीज़ की, एफ डबल ओ डी फूड, हमें फूड की आवश्यकता होती है, आवश्यकता मतलब ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरी होता है ना, क्या फूड ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, वैन डब्ल्यू एच ई एन वैन इसको पढ़ते हैं ना, वैन मैम ने बताया ना, बताया गया ना आपको क्लास में, देखो वैन मीन्स क्या होता है, जब या कब, तो यहाँ होगा जब वी यानी हम, वी आर, आर हंग्री, हंग्री मीन्स क्या होता है, हंग्री मीन्स भूखा, यानी जब हम भूखे होते हैं, देखो वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत कब होती है, कब आवश्यकता होती है फूड की, When यानी जब, we are hungry हम भूखे होते हैं, ठीक है। जैसे देखो इस फिगर में देखो एक बेबी है ना, ये भूखा है, देखो कैसे क्राइंग कर रहा है, और क्या है, जब ये फूड लेगा तो ये कैसे होगा, बेबी से एक चाइल्ड बन जाएगा, एक बच्चा बन जाएगा, देखो बड़ा हो रहा है ना, देखो इस फिगर में दिखाया गया है, ये बच्चा देखो बड़ा हो गया, पहले कितना छोटा था है ना, बिस्तर में लेटा हुआ है अच्छे से, बट छोटा है, अब ये फूड खाएगा, इसको एनर्जी मिलेगी, तो इसकी बॉडी की ग्रोथ होगी, तो ये बड़ा होगा है ना, बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ऐसे दिखेगा है ना, देखो तो यही यहाँ पे दिया गया है कि फूड, फूड मतलब खाना, भोजन जो हम खाते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प यानी हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, एच ई एल पी एस, हेल्प्स, हेल्प मीन्स हमारी मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है, हेल्प अस यानी हमारी मदद करता है किस चीज़ में, टू ग्रो, जी आर ओ ग्रो, ग्रो मतलब हम बढ़ते हैं, हमारा हम बड़े होते हैं, देखो फूड हेल्प अस टू ग्रो यानी हम जब फूड खाते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है हमें बड़े करने में, हम इससे बड़े होते हैं ना, देखो ये बेबी है अभी, ये फूड खाते खाते देखो कितना बड़ा बच्चा बन गया है ना, तो इस तरीके से ये बेबी से चाइल्ड हो गया है ना, और खाएगा तो और बड़ा बच्चा बनेगा, फिर ये एडल्ट यानी बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं ना, तो इस तरीके से फूड खाने से हमारा क्या होता है, ग्रो करते हैं हम यानी बड़े होते हैं, विकास होता है हमारा है ना। फिर देखो फूड ये क्या है, एफ डबल ओ डी फूड, फूड मैंने इतनी बार बोल दिया, फूड का मतलब आप बताओ क्या होता है, फूड मीन्स खाना, एग्जैक्टली हाँ खाना जो हम खाते हैं, ठीक है। गिव्स, गिव्स मीन्स क्या होता है, गिव्स मीन्स ये हमें क्या देता है, गिव्स मीन्स देना यानी ये हमें क्या देते हैं, फूड गिव्स अस हमें देते हैं क्या, एनर्जी, मैंने भी बताया ना हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो उससे हम स्टडी करते हैं, फिर प्लेइंग करते हैं ना, तो क्या होते हैं, फूड जो है गिव्स अस हमें देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी, हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ऊर्जा यानी शक्ति देते हैं हमें है ना, हमें शक्ति देते हैं जिससे हम कोई काम कर सकें। अगर आप अभी देखो भी स्कूल आ रहे हो, अगर आप लंच लेकर नहीं आते हो तो कि देखो आप काम कर पाते हो क्या, फिर आप क्लास में कहते हो नहीं बहुत थकान लगी हुई है मुझे बैठना है ना, ऐसे करके आप लोग बैठते हो ना, काम नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता जब तक आप लोग लंच ना करो, तो इससे क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है किस चीज़, और फिर हम क्या करते हैं, फिर जब हमें मिलती है तो हम दोबारा अपनी स्टडी शुरू कर देते हैं है ना, स्टडी मतलब पढ़ाई शुरू कर देते हैं, एंड प्ले, और फिर हम खेलते भी हैं, तो इसका मतलब क्या है, फूड यानी भोजन जो है वो हमें शक्ति देते हैं यानी एनर्जी देते हैं, और हम क्या करते हैं, फिर इससे स्टडी करते हैं, देखो ये स्टडी कर रहा है ये बच्चा है ना एक गर्ल है, देखो बैठ कर किस तरीके से अच्छे तरीके से स्टडी कर रही है, और देखो एक बच्चा, देखो फूड खाया उसने तो उसको एनर्जी मिली, तो वो प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है ना, देखो प्ले मीन्स खेलना होता है ना, तो खेल रहा है ऐसे ऐसे फूड से ही हमें होता है ना, देखो और फूड से क्या होता है, फूड कीप्स यानी रखना, कीप मीन्स रखना, तो फूड कीप्स अस, फूड जो है हमें रखते हैं, कैसे रखते हैं, एच ई ए एल टी एच वाई, हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ यानी हमें अच्छे रखते हैं
कैसे रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं, अच्छे रखते हैं। अगर हम फूड लेंगे, फूड खाएंगे, हम भोजन खाएंगे, खाना खाएंगे, फूड कहते हैं ना, तो हम खाना खाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, यानी कि हम स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हमारे अंदर बीमारियां नहीं आएंगी, हम बड़े होंगे, है ना, ग्रो करेंगे, हम अपनी स्टडी करेंगे, प्ले करेंगे, एनर्जी मिलेगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो इस तरह से देखा आपने, फूड से हमारे कितने हमें हेल्प मिलती है, हम ग्रो करते हैं, फूड हमें एनर्जी देते हैं, तो हम स्टडी करते हैं, प्ले करते हैं, है ना, प्ले करते हैं, उसके बाद फूड से हमें क्या होता है, उसके बाद फूड खाते हैं हम, तो ये हमें हेल्दी रखते हैं, यानी हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, है ना। अब उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं और क्या है हमारे लिए। देखो इस पे भी एक अच्छा क्वेश्चन आ गया हम लोगों करने के लिए। टेल योर पार्टनर, देखिए, टेल योर पार्टनर द नेम्स ऑफ दीज फूड आइटम्स। क्या करना है, ये फूड हमें जो फिगर में दिख रहे हैं ना, इनको देखकर और इनके नाम बताने हैं, है ना, बताने हैं। टिक द फूड यू लाइक, और जो आपको फूड खाने में अच्छे लगते हैं उनको टिक का मार्क करना है, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये तो और अच्छा है, इसको तो करने में बहुत मज़ा आएगा, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, एक ग्लास है ना, एक ग्लास है ना, ये एक क्या है, देखो ये क्या दिख रहा है इसमें, ये ग्लास दिख रहा है और इसमें वाइट वाइट कुछ है, इसको तो आप डेली पीते हो ना, क्या है ये? यस, ये मिल्क है। मिल्क आपको पसंद है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसको आप टिक कर दोगे ऐसे बॉक्स में, ऐसे राइट का, देखो ऐसे राइट का इस बॉक्स में निशान लगाओगे, ठीक है, ऐसे करोगे। अब ये देखो, उससे भी अच्छी चीज़ यहाँ आपको दिख रही है इस फिगर में, देखो वाह कितनी अच्छी चीज़ है। अब ये बताओ क्या हो सकता है, यस ये आइसक्रीम है, तो इसको आप क्या करोगे, इसको भी आप, यहाँ आपको पसंद है तो आप टिक करोगे, और देखो अच्छी तो लगेगी, ऑफ कोर्स ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये देखो, आइसक्रीम तो नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है, देखो ये आपके ओकेजन पे आता है ना, हाँ यस, जब आपका बर्थडे होता है तो आपके लिए लाया जाता है ना, है ना, या किसी अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाते हो तो भी आप देखते हो, बता दो ये क्या है, यस केक। केक आपको अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आपको पसंद है, यू लाइक इट, यस, तो इसको आप क्या करना है, आपको इस बॉक्स में टिक करना है जो आपको पसंद है, ऐसे करके। ये देखिए और सारे, यहाँ एग हैं, यहाँ और सारी चीज़ें, सैलेड है, सलाद जो हम खाते हैं, ठीक है, ब्रेड है, बटर है, ब्रेड बटर खाते हो ना, ये भी अच्छी चीज़ है, देखो इसको भी आप टिक करोगे, आपको जो अच्छा लगता है उसको टिक करोगे, ठीक है, खाने में, ठीक है, उसको टिक कर दोगे आप, ऐसे करोगे जो इसमें है, ठीक है। इस तरीके देखो, इधर इधर देखो, दाल है, इधर चपाती है आपके लिए, इसको आपको अच्छा लगता है तो आप टिक करो, ठीक है, अदरवाइज लीव करो इसको, ठीक है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है रॉ एंड कुक्ड फूड। देखो कुछ फूड रॉ फूड होते हैं, रॉ मीन्स होता है जिनको हम कच्चे फूड कह सकते हैं, कच्चे फूड यानी कच्चा भोजन जिनको हम खाते हैं। जैसे मान लो आपको रेडिश खाना है, तो क्या रेडिश को पकाते हो, क्या मूली पकाकर खाई जाती है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, कौन मूली पकाकर खाएगा भाई, कोई मूली पकाकर खाई जाती है, है? खीरा, देखो ये खीरा है, इसको कुकुम्बर कहते हैं। ये देखो ये आपका कैरेट है, कैरेट है ना, देखो रेड कलर का है कैरेट, क्या इन सब चीज़ों को आप पकाकर खाते हो? नहीं, नहीं खाते हो, तो इनको हम रॉ फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉ, RAW, रॉ, रॉ मीन्स कच्चा, फूड मीन्स भोजन, ये कच्चे भोजन है हमारे, इनको हम कच्चा ही खा लेते हैं, इनको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, इनको नहीं पकाया जाता है। और कुछ फूड जो है हमें उनको कुक करना पड़ता है, कुक मीन्स पकाना होता है, नहीं पकाओगे तो अच्छे ही नहीं लगेंगे। जैसे दाल है,
दाल आप देखो बिना पकाए आप कच्ची खा सकते हो क्या, बिल्कुल टेस्ट में अच्छी नहीं लगेगी। तो कुछ कुक्ड फूड होते हैं फूड, ठीक है। तो फूड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन से, एक रॉ फूड, कच्चे फूड जिनको हम कच्चा ही खा सकते हैं, और एक कुक्ड फूड जिनको हम पका कर खा सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऑल फ्रूट्स, देखो ऑल फ्रूट्स यहाँ से पढ़ो, देखो ऑल फ्रूट्स ALL, ऑल, ऑल मीन्स सभी, फ्रूट्स मीन्स फल, सभी फलों को क्या कर सकते हैं, कैन बी ईटन रॉ, यानी कि हम इनको कच्चा ही खा सकते हैं, है ना। कैन बी ऑल फ्रूट, फ्रूट्स यानी सभी फलों को कैन बी ईटन, ईटन मीन्स खा सकते हैं, रॉ यानी कच्चा ही खा सकते हैं, ठीक है। CAN कैन बी, ठीक है, कैन बी ईटन रॉ यानी हम कच्चा ही